देश में लंबे समय तक चर्चा में रहे नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला नागरिकता संशोधन कानून जनवरी 2021 से लागू हो सकता है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में इस बात के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार के विरुद्ध आयोजित R9 अन्याय अभियान के दौरान विजयवर्गीय ने संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA अगले साल जनवरी में लागू होने के संकेत दिए हैं। रैली के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने CAA को ईमानदार नियत से पड़ोसी देशों से हमारे देश आए उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पारित किया था। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। TMC नेता और राज्य के मंत्री फिरदा हकीम ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से CAA को लेकर इस तरह के संकेत राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।